हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक ट्यूटोरियल फ्लूट वीडियो लेके, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मतपाला जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरा न्यू अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगर आप बांसुरी का शौक रखते हैं तो मनचाहा गाना बांसुरी पर सीखने के लिए कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये फ्लूट है, पूनम फ्लूट डी स्केल की। अगर आप इस सॉन्ग की बांसुरी के ऊपर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डी स्केल की फ्लूट ले सकते हैं। दोस्तों, इस सॉन्ग को बजाने से पहले इस सॉन्ग की स्वरों का अभ्यास करेंगे। डी स्केल के फ्लूट के ध को सा मानकर आज हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सॉन्ग में लगने वाले स्वरों का वादन करेंगे, स्वरों का वादन करेंगे लाइक दिस। यानी धनी सारे गा मा पा पा मा गा रे सा नी ध पा ध। तो इस तरह से इन स्वरों को हम तेज गति से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बात का आप ध्यान रखें, जब भी इन स्वरों को आप प्ले करेंगे तो आप तीव्र मध्यम प्ले करोगे। सॉन्ग है तूने और रंगीली कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत बालाजी। ये ओल्ड मूवी सॉन्ग है, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग। तो आज हम इसको प्ले करना सीखेंगे। मेरा ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो फर्स्ट लाइन है, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। तो इसको प्ले करेंगे, प ध ध ध नी रे नी ध प ध ध नी, प ध ध ध नी रे नी ध प ध ध नी। तो इसको कैसे प्ले करेंगे, क्या आपने ध से नी बजाना है तो ध के ऊपर प स्वर का खटका लगाना है। कैसे खटका, हर स्वर के ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे इस तरह से खटका है जो पीछे के स्वर से हम आगे के स्वर के ऊपर लगाते हैं। इसी तरह से कर्ण है जो आगे के स्वर से हम पीछे वाले स्वर पर देते हैं। यानी कि अगर हमने ध बजाना तो हम नी स्वर को हल्का सा टच करेंगे, जैसे इस तरह से हम कर्ण स्वर भी प्ले कर सकते हैं। खटका, कर्ण, मुरकी, मींग, सूत, घसीट, जमजमा, इस तरह के जो हरकते हैं दोस्तों, ये बांसुरी पर या अन्य साजों पर या कंपोजिशन में चार चांद लगा देते हैं। तो हमें गमक के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी हमने खटका सीखा और कर्ण सीखा, तो हम इस सॉन्ग की पहली लाइन बजाते हैं। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, तो मैंने क्या प्ले किया, प ध ध ध प ध ध ध
यानी कि प के बाद तीन ध है, तो बीच वाले ध पे क्या है, खटका है प स्वर से। ठीक है, तो हम मैं इसको प्ले करूं, प ध ध ध नी रे नी ध प ध ध नी। अब नी हम प्ले कर रहे हैं तो रे स्वर का कण आ रहा है, कैसे देखिए। खटका कहाँ कहाँ आ रहा है आप सुन के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस लाइन के बाद एक सुंदर सा बांसुरी का पीस है, कैसे प्लेगा नहीं। यानी के ध ग नी प नी ध ग नी। जो ग स्वर है उसके ऊपर हम मुरकी लेकर उसको प्ले कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब ग स्वर प्ले हो रहा है तो उसके साथ तीन स्वर और प्ले हो रहे हैं, कैसे। ध ग नी प प नी ध। जब नी प्ले कर रहे हैं तो रे स्वर का कर्ण आ रहा है, कैसे। ध ग नी ध प प नी प नी ध प नी। नी के ऊपर रे का कर्ण ध प नी नी ध, समझ गए। यस, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं। प ध ध ध नी रे नी ध प ध ध ध प ध ध ध। बीच वाले ध के ऊपर प का खटका। समझ गया। और जब हम ध बजा रहे हैं लास्ट वाला तो उसके ऊपर रे का कर्ण। समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद इस गाने का मंझार शुरू करेंगे। मंझार कैसे है। बाहों में छुपा के ये क्या किया, यानी के नेक्स्ट लाइन है। ध ग ग ग ग म रे रे ध निशानी ध ध ग ग ग म रे रे ध निशानी ध। नी बजाना है तो उसके ऊपर सा का कर लेना है। तो इसको एक लाइन को मैं इस लाइन को मैं कंप्लीट प्ले करता हूं। उसके बाद ओ रे पिया। ओ रे पिया के बाद थोड़ा सा अलाप है, कौन सा। ओ रे पिया हो, यानी कि सा नी ध। सा के ऊपर मुरकी है और मुरकी हमेशा चार स्वर से मिलके बनती है, जैसे रे सा नी ध। और नी के ऊपर सा का कण, कैसे, समझ गए। उसके बाद बस वही पहली लाइन। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इसकी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में प स्वर से हमने उसको शुरू करना है, कैसा, ये कैसे है।
पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। तो इसको कैसे प्ले करना है? सबसे पहले फर्स्ट लाइन, इस अंतरे की फर्स्ट लाइन, पास बुला के, मतलब पा मामा गारे। दूसरी लाइन, गले से लगा के, तीव्र मध्यम, मा गे सा गारे रे सा नी धा नी। कैसे? उसके बाद देखो, नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। यानी कि रे 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 गा रे 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 नी रे सा नी नी धा धा पा पा धा धा। यानी कि आप समझ के होंगे। दोबारा एक बार इसको मैं कैसे प्ले कर रहा हूं देख लो। लेकिन इसमें हर स्वर के साथ कर्ण आ रहा है। जब हम प्ले कर रहे हैं, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, तो हर स्वर के साथ कर्ण आ रहा है। कैसे? नेक्स्ट लाइन, रे 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 का रे 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 नी रे सा नी नी धा धा पा पा धा धा। लास्ट वाला धा खटके वाला, समझ आ गया आपको? इतना सा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गमक है, जब हम स्वर को हिला के बजाते हैं या दूसरे स्वर से टच करके बजाते हैं या फिर दो तीन स्वरों के समूह से उसको घुमा के बजाते हैं, तो ऐसी हरकत को हम गमक कहते हैं। देयर आर 15 टाइप्स ऑफ गमक अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर रिटन बाई शारंग देव। गमक के मुख्य रूप से 15 प्रकार हैं जो कि संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में शारंगदेव में उल्लेख किया हुआ है। गमक मुख्य रूप से 15 प्रकार की हैं। वैसे गमक कई प्रकार के हैं, जैसे मींड, सूत, घसीट, जमजमा, मुरकी, कृंतन, खटका इत्यादि। तो अभी मैं दोबारा अंतरे को प्ले कर रहा हूं। देखिए आप गमक कहाँ कहाँ आ रही है। तो इसमें ध से ऊपर साग पे गया मैं, तो मीट से गया। इसको कहते हैं मीट, स्वर को बिना तोड़े एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जाना। या इसको मुरकी से भी ले सकते हैं। कैसे? उसके बाद रे 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 गा रे 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 नी रे सा नी नी धा धा पा पा धा धा। लास्ट वाले गद्दा पे करता। उसके बाद भाई मंझार वाले नाए, सपने दिखा के ये क्या किया। कैसे? ध ग मारे रे ध निशानी ध, यानी कि ध के बाद सीधा नी से सा की मीड है। इसमें दूसरा जो रे है वो कोमल है। धसा दसा
ध निसा नी नी बजा रहे हैं एट द टाइम, तो सा का हल्का सा कण है। फिर दोबारा वही फ्रेंड्स, इस गाने के जो नेक्स्ट दो या तीन पैराग्राफ्स हैं वो भी इसी तरह से ही प्ले किए जाएंगे। इसी धुन के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।